हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली अलसक, विसूचिका और विलंबिका। एक ही वीडियो में हम कंपाइल करते हैं इसको, तो अगर चाहें तो ये 4-4 मार्क्स में अलग अलग से पूछ सकते हैं या फिर 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं इकट्ठे। तो अलसक क्या होता है? अमाशय से आलसी भूत तेन सो अलसक समृता। मतलब जो अमाशय में आलसी की तरह जो पड़ा रहता है ना, आलसी की तरह जो पड़ा रहता है खाना, ठीक है, बिना डाइजेस्ट हुए लंबे समय तक, उसे अलसक बोलते हैं। और ये क्यों होता है? अब क्यों पड़ा रहेगा ऐसे? क्योंकि अग्नि इतनी तेज है नहीं, अग्नि की मंद से, कफ के आधिक्य की वजह से, ठीक है, वेग के धारण करने से, अनशन विषमशन कंज्यूमिंग गुरु शीत रुक्ष आहार आफ्टर इनडाइजेशन। अगर उसको पहले ही अजीर्ण है, ऊपर से वो और से ऐसी चीजें खा रहा है, भारी चीजें, शीत चीजें, रुक्ष चीजें, ठीक है, तो उसको क्या हो जाता है? अलसक हो जाता है। संप्राप्ति क्या है? जैसे ही निदानों का सेवन करेंगे, बात कफ इंक्रीज होते हैं, जिससे मार्ग में अवरोध होता है और क्या चला जाता है, अमाशय में जो अन्न है वो अलसी की तरह पड़ा रहता है। ना तो वो ऊपर से निकलता है, ना वो नीचे से निकलता है, बस वहीं पे वो पड़ा रहता है, ठीक है। अब इसके लक्षण आते हैं, कुक्षी आधमान, शूल आते हैं, फिर आंत्र में नाद आती है, आवाज आती है इंटेस्टाइन्स में, वायुमाल अवरोध होता है, अति उद्गार और मूर्छा होती है, क्योंकि बात तो बढ़ रही है तो इसमें उद्गार बहुत ज्यादा रहती है। दंड अलसक क्या होता है? आफ्टर इंडाइजेशन ऑफ अ पर्सन कंटिन्यू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, देन विशेषित दोसा स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी एंड ऑब्स्ट्रक रस वह श्रोतस, द होल बॉडी बिकम स्टिफ लाइक अ स्टिक। इन्होंने क्या बोला है? खाना जब इंडाइजेशन है उस बंदे को और ऊपर से फिर वो खाया जा रहा है, पीता जा रहा है, ठीक है, तो वो सारे शरीर में जो बड़े हुए दोष है वो सारे शरीर में फैल जाते हैं और शरीर को स्टिफ बना देते हैं, एक डंडे की तरह है, और इसे तभी इसका नाम क्या दिया? दंड अलसक दिया है। तो ये इनक्यूरेबल डिसीज है। नेक्स्ट आता है विलंबिका। विलंबिका क्या होता है? विलंबिका लंबे समय तक जो ऐसे ही है, इसमें है आपके पास आफ्टर कफ और वात टाइप अजीर्ण। If the person continue मिथ्या आहार विहार, he develop this condition। देखो, अजीर्ण, उसको इंडाइजेशन थी, ऊपर से फिर भी वो ऐसे ही खाना खाया जा रहा है, मिथ्या आहार विहार का सेवन कर रहा है, तो ये कंडीशन आती है। विलंबिका इज द क्रॉनिक डिसीज इन विच फूड नाइदर गोज अपवर्ड और नॉट डाउनवर्ड। ये विलंबिका एक क्रॉनिक स्टेज है। विलंबिका नाम से पता चल रहा है लंबे समय तक जो है, क्रॉनिक डिसीज है, जिसके अंदर खाना जो है ना तो वो ऊपर से निकलता है ना वो नीचे से निकलता है, और वो पेट में पड़ा रहता है लंबे समय तक और वो टॉक्सिक हो जाता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग अलसक। अलसक का ही क्या होता है ये? अगर अलसक ट्रीट ना करे, अगर अलसक की काफी लंबे समय तक चलती रहे, तो वो किसको कॉज करती है? विलंबिका को। तो अलसक विलंबिका चिकित्सा सूत्र क्या है दोनों का? इन्होंने कहा है विलंबिका अलसक यो ऊर्ध्वम अध शोधतम हित्यम। किसमें क्या करना है आपको? ऊर्ध्व और अध से शोधन करना है। पहले तो आपको लंघन कराना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं, उसको बोलो भाई पहले खाना तो बंद कर दे, ठीक है, कि लंघन करो, पहले ही वो जो खाना पड़ा है पेट में वो ही नहीं पच रहा है, तो ऊपर से और खाए जा रहे हो तो और तो दिक्कत होगी, तो पहले लंघन खाना है, लंघन करना है, ठीक है, फिर वमन विरेचन, देन निरूह बस्ती देनी है, फलवर्ती देनी है। अब इसकी शमन क्या है? सेम जो अजीर्ण की चिकित्सा में बताई थी। अजीर्ण की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप कैसे की प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, ठीक है, वहां पे आपको अजीर्ण चिकित्सा मिल जाएगी, अजीर्ण टॉपिक मिल जाएगा, तो वहां से आप शमन औषधि सारी इसमें लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हम पढ़ेंगे विसूचिका, ठीक है, इसी के अंदर करते हैं कवर विसूचिका। विसूचिका क्या होता है? सूची भीरव गात्राणी तुदनन सनित्य संतिधते अनिल यस्य अजीर्णेन सा वेदर वेद्या रुचिर अति विसूचिका। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि अब जैसे अजीर्ण उसको था, वात बढ़ेगी, वो क्या करेगी, प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन कर देते पूरे शरीर में, सुई चुभने के जैसी, तो सुई चुभने के जैसी क्या होता है? विसूचिका, सूची, ठीक है। तो वात जब जैसे अजीर्ण है, वात बढ़ेगी, उसके कारण क्या होगा, सारे शरीर में पेन जो होगा सुई चुभने जैसा, वो उसको होता है विसूचिका। विसूचिका इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन ऑल ओवर द बॉडी अलोंग विद डायरिया एंड वॉमिटिंग। विसूचिका में क्या होता है? एक तो पेन तो होगा, ऊपर से उसको वमन भी होगा और अतिसार भी होता है। निदान इसका क्या है? मिथ्याहार विहार का सेवन करने से, अध्यसन से, विषमशन से, गंदा खाना खाने से, रात्रि जागरण से, मतलब वात बर्धक जो भी आपके निदान है वो आपको बताने हैं। सामान्य लक्षण की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट है राइस वाटर डायरिया आपको मिलता है, राइस वाटर डायरिया,
ठीक है। विशेष इसके लक्षण भेद इसके बात पित्त कफ, बात में आपका जो आएगा विसूचिका के टाइप है ये बात पित्त कफ, बात में आएगा शूल अनाहा अंगमर्द, जो भी बात के हैं वो पित्त वाले में पित्त के, इसमें कुछ अलग से तो है नहीं है। नेक्स्ट आते हैं साध्य असाध्यता। असाध्य लक्षण वो होते हैं जब आपकी साइनोसिस हो जाती है गम्स लिप्स और नेल्स की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट, ठीक है। असाध्य लक्षण उसको बोलेंगे जब आपकी क्या हो जाती है शाम दंत नख ओष्ठ हो जाते हैं, साइनोसिस हो जाती है आपके दंत की, ओष्ठ की और नख की। अल्पसंख्या कोमा में चला जाता है, निरंतर उसको छर्दी रहती है, स्वरशीर्णता और संधि में शिथिलता हो जाती है। उपद्रव निद्रा नाश, ऑब्वियसली जब उसको इतना ज्यादा पेन होगा, वमन हो रही, अतिसार हो रहा, क्या उसके सोया जाएगा? नहीं सोया जाएगा। बेचैनी होगी, कंप होगा, मूत्राघात और विसंज्ञता, उसको कोई होश नहीं रहेगी। तो इसके ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो आपको लंगन ही कराना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से आप और खाए जा रहे हो तो कहाँ से कुछ होगा सही। तो आपको लंगन कराना है, और अगर आपको खाना देना भी है तो पेया विलेपी आदि लघु आहार देना है, विच इज गिवन आफ्टर विरेचन क्रम, विरेचन कराने के बाद, ठीक है। निदान परिवर्तन संशोधन चिकित्सा, जैसे कि आपको लंगन कराना है पाचन, देन स्वेदन, देन वमन विरेचन निरुपस्थिति देने हैं। शमन चिकित्सा में आपका आएगा विसूचिकांतक रस, अजीर्ण कंटक रस, कर्पूर रस, संजीवनी वटी, महाशंख वटी, जीरक अर्क, शतपुष्पा अर्क, ठीक है, और पोतिहा अर्क और कपूर आता वो षडंग पानी आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गया, अलसक, विलंबिक और विसूचिका। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।